यूपीएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है 2025 के लिए और ये जारी आज ही हुआ है, तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से नए एग्जामिनेशन डेट में बदलाव आए हैं या जो पहले एक कैलेंडर उन्होंने जारी किया था सेम टू सेम है। तो पहली बात ये है दोस्तों कि ये रिवाइज कैलेंडर है, इसमें ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक रिवाइज कैलेंडर है। ये देखो तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2025 के लिए अपना कैलेंडर जारी किया है और इसमें इन्होंने सारे एग्जामिनेशन डेट को मेंशन किया है और साथ ही इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन कब होने वाला है, किस डेट पे होने वाला है, हर एक चीज़ के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बातचीत कर दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि कब ये नोटिफिकेशन डालेंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब से कब इसका फॉर्म फिल होगा, हर एक चीज़ के बारे में बातचीत किया है। डायरेक्टली हम आते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन पे, यानी कि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैं बातचीत करूँ तो 22 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसी दिन आप देखोगे तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी 22 जनवरी को ही इसका नोटिफिकेशन आएगा जो 11 फरवरी तक चलने वाला है, यानी कि 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये चलेगा आपका 11 फरवरी तक चलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन इस बार बहुत पहले निकाला जा रहा है आयोग के द्वारा और एग्जामिनेशन डेट भी मेंशन किया गया है कि 25 मई को इस बार आयोग एग्जाम लेने वाली है। उसके अलावा अगर मेंस एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो 2025 में इन्होंने जो डेट मेंशन किया है वो 22 अगस्त के ऊपर इन्होंने बातचीत किया है कि 22 अगस्त 2025 से एग्जामिनेशन लेंगे जो 5 दिन तक चलने वाला है। वही इस बार आपने देखा था कि एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होने की वजह से इस बार एग्जामिनेशन जो है वो आपका 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इन्होंने अभी इसमें मेंशन किया है कि 22 अगस्त से वो अगले साल से एग्जामिनेशन लेंगे, यानी कि 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन देना तो ये मेंस का डेट आप याद रखना 22 अगस्त से होगा और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट याद रखना 25 मई को होने वाला है। इसके अलावा अब आगे मैं देखूँ तो यहाँ पे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस का एग्जामिनेशन देखो तो ये 16 नवंबर को रखा गया है और 7 डेज तक एग्जामिनेशन चलने वाला है। उसके अलावा आप और अदर एग्जामिनेशन के बारे में भी देख सकते हो, जैसे कि एनडीए एग्जामिनेशन सेकेंड जो 2025 में होगा उसका नोटिफिकेशन 28 मई को आएगा, सीडीएस का जो है नोटिफिकेशन वो भी 28 मई को आएगा, जो सीएफपीएफ का जो है सीएफपीएफ का देखोगे तो इनका ये नोटिफिकेशन 5 मार्च को आएगा, एग्जामिनेशन जो है वो 8 अगस्त को होगा। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मेंस का दिया गया है, फिर उसके बाद कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का आ चुका है, उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन आपका 2025 फर्स्ट फेज का देखोगे तो 11 दिसंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपका 31 दिसंबर 2024 तक इसको फॉर्म फिल करोगे और 13 अप्रैल 2025 को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद सीबीआई के यहाँ पे एग्जामिनेशन देखोगे 2025 के लिए, इसका नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2025 को आएगा, फिर इसका एग्जामिनेशन 8 मार्च 2025 को हो जाने वाला है। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन देखो तो इसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो एग्जामिनेशन होंगे आपके 9 फरवरी को, और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा वो भी आपके 9 फरवरी को ही होने वाले हैं। तो ये सारे आप डेट देख सकते हो, आयोग ने ऑलरेडी इन तमाम डेट्स को मेंशन कर दिया है ताकि आपको सुविधाएं हो। और इसके अलावा जो रिवाइज्ड यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन है वो, या आपका कंबाइंड जो साइंटिस्ट का मेंस एग्जामिनेशन हो या इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस का एग्जामिनेशन हो, हर एक डेट को इन्होंने मेंशन कर दिया है जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। एक बात बता दो दोस्तों, ये एक आपका रोड मैप है और जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो। अब आपका 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है और 11 फरवरी तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके बाद देखो तो 25 मई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना डेट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लो, देख लो और किस तरीके से तैयारी करनी है सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो एंड तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में सवाल हो, डाउट हो या कोई अदर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करके पूछ लीजिएगा, उसका मैं आंसर दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक रेट रिव्यू आंसर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।